चार दिन पहले हुए आयुषी मर्डर केस का खुलासा। बीसीए की छात्रा आयुषी के परिजनों ने नहीं दर्ज कराई थी गुमशुदगी। आन की खातर बीसीए की छात्रा आयुषी की गोली मारकर हत्या। यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर ट्रॉली बैग में पैक कर फेंका गया था दो दिन पूर्व शव। दरअसल बीसीए की छात्रा आयुषी की गोली मारकर हत्या की गई थी, फिर उसके शव को यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर ट्रॉली में बैग में पैक करके फेंक दिया गया था। इस मामले में घर वालों ने बेटी की गुमशुदगी भी दर्ज नहीं कराई थी। जब पुलिस मृत छात्रा के घर पहुंची तो उसका पिता भी नहीं मिला था, बाद में पुलिस ने उसे खोज लिया। दरअसल रविवार देर रात पूछताछ में जब पिता ने बेटी की हत्या करने की बात कबूल की, पुलिस के लिए हत्या से जुड़े साक्ष्य एकत्र करने में आसानी हो गई। देर रात ही पुलिस की टीम हत्या स्थल पर लाश को ले जाने में इस्तेमाल की गई कार, जिस हथियार से गोली चलाई गई थी वो उसे अपने कब्जे में लेने आदि के कार्य में जुट गई। 18 नवंबर की सुबह यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर कृषि अनुसंधान केंद्र के पास झाड़ियों में ट्रॉली बैग मिला था। ट्रॉली बैग में युवती की लाश थी। दरअसल इसके 48 घंटे में ही पुलिस मृतक के घर तक पहुंच गई। मृतक की पहचान रविवार को देर शाम माँ और भाई ने की। पुलिस अब इस मामले में जांच की बात कहकर चुप्पी साधने लगी है। हालांकि शुरुआत में ही पुलिस को लाइन मिल गई थी कि हत्यारोपी पिता ही है। इसी कारण दिल्ली के मोड़ बंद से पिता, भाई और माँ को पुलिस टीम साथ लेकर आई, लेकिन पिता को पोस्टमार्टम गृह तक नहीं लाई। केवल निजी कार में थाना राया के प्रभारी निरीक्षक ओम हरि वाजपेयी, एसआई विनय कुमार और एक सिपाही के साथ केवल ब्रजबाला और भाई आयुष को ही लाया गया। खास बात यह रही कि आयुषी 17 नवंबर को घर से लापता हो गई थी। इसकी कहीं भी गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई गई थी। वहीं हत्या के बाद पिता भी घर से कहीं चला गया था। अनुमान है कि आज पुलिस इस घटनाक्रम का पूरा पर्दाफाश करेगी।